बता रहे हैं, कई लोग कई एग्जिट पोल कांग्रेस को भी बता रहे हैं, तो इनमें मैं कोई विशेष, क्योंकि कोई एक इसमें राय नहीं है, तो इसलिए इसको मैं कोई मान्यता नहीं देता हूँ। मेरे हिसाब से राजस्थान में विकास का काम हुआ है। दिसंबर को जैसे ही राजस्थान में प्रदेश विधानसभा चुनाव खत्म हुए तो हर गली नुक्कड़ पर एग्जिट पोल का बाजार लग गया। हर कोई अपने अपने प्रत्याशी को जिताने लग गया। इसके अलावा जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे थे वो अपने परिवार के साथ फुर्सत के पल बिताने में लग गए, क्योंकि बीते एक महीने से लगातार हर गली ढाड़ी मोहल्ले में उनको जाना था, लोगों से मिलना था। ऐसे ही एक प्रत्याशी हैं कोटा दक्षिण के बीजेपी से, संदीप शर्मा। हम उनसे जानेंगे कि बीते उपचुनावों में जीतने के बाद जब वो जनता के बीच गए इस चुनावों के लिए, तो जनता ने उन्हें कैसे अप्रिशिएट किया, कैसे निग्लेक्ट किया, कैसा रिएक्शन दिया। सर, सबसे पहले इतनी दिनों की मेहनत के बाद कैसा लग रहा है अब घर पे आके? मेहनत की आदत पड़ गई है और अब फिर जो ऐसा लग रहा है कि अब निकलना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि बैठे बैठे मन नहीं लगता। लेकिन अभी तो सब कार्यकर्ताओं का आना जाना और सारा उनका आकलन बताना, तो उसमें पूरा दिन निकल जाता है, क्योंकि 11 तारीख तक जब तक परिणाम नहीं आ जाता तब तक सारे कार्यकर्ताओं के मन में उत्सुकता है, कितने वोटों से हम जीतेंगे, कितने लीड हम देंगे, तो ये सारी बात कार्यकर्ताओं की मन में रहती। जब उपचुनावों में आपको जीत मिली, उसके बाद जब आप इस चुनावों में जनता के बीच पहुँचे, 5 साल में भी आपकी उपलब्धता जनता तक रही, तो कैसा रिएक्शन दिया जनता ने? जनता का अपूर्व प्यार मुझे इस जनसंपर्क में मिला है। मैं लगातार वैसे तो लोगों के बीच में रहा हूँ, जब भी मुझे बुलाया गया, जहाँ बुलाया गया, चाहे वो 11 बजे 12 बजे, मैं तुरंत वहाँ पहुँचा हूँ। क्षेत्र बहुत लंबा होता है, परंतु हो सकता है कि किन्हीं कारणों से किसी जगह मैं नहीं पहुँच पाया हूँ, लेकिन मुझे जहाँ भी बुलाया गया वहाँ मैं बिना किसी देर के पहुंचाऊं, आधे घंटे के अंदर पहुंचाऊं। और जनसंपर्क के दौरान दिवाली से पहले मैंने प्रयास किया कि मैं एक एक घर पहुंचूं, और लगभग मैं समझता हूं कि 75-80% लोगों के घर घर में गया हूं और लोगों की समस्याओं के विषय में भी पूछा है। बहुत सारे कार्य कोटा शहर में कराए हैं, कोटा शहर को विकास की एक नई पहचान बनाने की कोशिश की है, जो जो लोगों की आम भूत समस्याएं थी उनको। लेकिन फिर भी विकास एक लंबी प्रक्रिया है और कभी ख़त्म ना होने वाली प्रक्रिया है। कई काम अभी अपूर्ण है, कई चीज़ें जानकारी के अभाव में अभी नहीं हो पाई, जैसे प्रमुख रूप से सीवरेज की समस्या, नाली की समस्या, जिनके पीछे प्रमुख कारण है कि सीवरेज वाली जो जगह हैं उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गए, नालियों के ऊपर रैंप बन गए, तो उनको तोड़ने में भी दिल दुखता है। जहाँ हम सीसी रोडों पर करोड़ों रुपया खर्च कर सकते हैं, तो हम उस पर भी पैसा लगा सकते थे, लेकिन अब लोगों ने कहा है कि आप हमारे नाली के ऊपर के रैंप हटा के हमारी नाली दो। हमारे जो हमारे निर्माण हो रहे हैं सीवरेज के नालों के ऊपर, उसको हटा के आप सीवरेज को सही कराओ। सीवरेज को मास्टर प्लान में लेते हुए सीवरेज सही कराऊंगा और नाली को भी मैं पूरी अच्छी तरीके से नालियों को दोबारा बनाएंगे। पानी में मैंने 154 करोड़ रुपए पारित करवा लिए हैं और स्मार्ट शहर में इस 154 करोड़ रुपए की जो लागत आएगी उससे सारे पाइपलाइन जो जीर्ण शीर्ण है उनको बदलेंगे, इंटेकवेल बनाएंगे, नई टंकियाँ लगाएंगे और पानी प्रचुर मात्रा में लोगों तक पहुँचाएंगे। इस दौरान लोगों का इतना अपूर्व स्नेह और समर्थन, इतना अपूर्व आशीर्वाद मिला है कि जिस घर में भी गया वहाँ उन्होंने तिलक से, साफे से और नारियल देके मेरा स्वागत किया है। उन्होंने यहाँ तक कि मेरे को चुनाव लड़ने के लिए भी, जैसे करते हैं कोई ने 501 रुपये, कोई ने 100 रुपये, कोई ने 201 रुपये, हाँ, तो मैंने उनके हाथ जोड़ के वो राशि लौटाई। मैंने कहा मुझे आपका सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। और जगह जगह स्वागत किया, कोई कहीं कहीं कार्यकर्ताओं ने केलों से, कहीं अमरूद से, कहीं लड्डुओं से, कहीं पेस्ट्री से, कहीं पेप्सी से, इन चीज़ों से तौल कर स्वागत किया। तो बहुत
मैं आभार व्यक्त करता हूँ कोटा शहर की मेरी जनता का, इतना अपार स्नेह, इतना अपार आशीर्वाद। मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी क्षेत्र की जनता का इतना आशीर्वाद मुझे दिलाया। कौन से आपके जहन में ऐसे मुख्य मुद्दे चुनाव से पहले आए कि इन मुद्दों में मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, और आपने उन मुद्दों में चुनाव लड़ा? मैंने पूर्व में बताया जो मुद्दे रह गए हैं वो, और जिन चीज़ों को लेकर मैं 5 साल पहले जब विधानसभा में आया था, चिकित्सा एक संवेदनशील चीज़ है और उसको लेकर मैं बहुत चिंतित था। जहाँ हार्ट की प्राइवेट व्यवस्थाएं थी, मैं चाहता था सरकारी और सुलभ और सस्ते में मैं इलाज करवा सकूं हृदय के रोगियों का, तो उसको लेकर मैंने कैथ लैब के लिए प्रयास किया और कैथ लैब स्थापित हुई। किडनी ट्रांसप्लांट का भी कार्य लगभग पूर्ण होकर किडनी ट्रांसप्लांट भी इस कोटा शहर में प्रारंभ हो जाएगी। सुपर स्पेशलिटी प्रारंभ हो चुकी है और सुपर स्पेशलिटी को व्यवस्थित करना मेरा प्राथमिकता रहेगी। मैंने केशवपुरा में, सुभाष नगर में डिस्पेंसरी का निर्माण करवाया है और विज्ञान नगर में भी यूपीएससी जो लगभग सैटेलाइट का समकक्ष अस्पताल है जहाँ 15 डॉक्टर बैठेंगे विज्ञान नगर में, उस कार्य को पूर्ण कर लिया है और उसमें भी अब प्राथमिकता से उस कार्य को स्टाफ बढ़ाकर उसको प्रारंभ कराना है। पानी का मैंने आपको बताई दिया है। शहर में विकास को लेकर कुछ चीज़ें जो मैं बिल्कुल आचार संहिता लगने की वजह से रह गई थी, उनके लिए प्रयास करूंगा। मल्टीपर्पज़ में 15 करोड़ की पार्किंग व्यवस्था, ऊपर ऑडिटोरियम 2000 लोगों का बैठने का, भीतरा कुंड का विस्तार, जीएडी से घटुक सर्किल तक 27 करोड़ की लागत से बच्चों के लिए वाटर पार्क, बच्चों के लिए एडवेंचर टनल, प्राचीन ऐतिहासिक किले, भारत माता की पुरानी इतिहास की यात्रा है, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। 11 करोड़ की लागत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उद्यान उसको लेंगे। ये सारे काम जो रह गए हैं, जो 10 चौराहे बनाने का संकल्प लिया था उसमें से 4-5 चौराहे पर काम चल रहा है और 4-5 चौराहों को और तेज़ी के साथ उनको चालू करवाएंगे और कोटा शहर को सुंदर स्वरूप देंगे। सर एक सवाल है जो लोग जानना चाहते हैं, जो दादावाड़ी से लेकर केशवपुरा तक का फ्लाईओवर है तो आपके ही पिछले कार्यकाल में शुरू हुआ है, अब अगर आप जीतते हैं तो उसका निर्माण कार्य कितनी तेज़ी से शुरू होगा और कब तक वो पूरा हो जाएगा? उसका निर्माण कार्य तेज़ी के साथ चल रहा है और चुनाव जीतने के उपरांत मेरी प्राथमिकता रहेगी कि उसको 3-4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर उसको जो है लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध करा दूँ। ये जो एग्जिट पोल्स का बाजार चला हुआ है, इन पे क्या कहेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है और बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा। एग्जिट पोल की अलग अलग राय हैं, कई लोग 50-50% बता रहे हैं, कई एग्जिट पोल बीजेपी को भी बता रहे हैं, कई लोग कई एग्जिट पोल कांग्रेस को भी बता रहे हैं, तो इनमें मैं कोई विशेष, क्योंकि कोई एक इसमें राय नहीं है तो इसलिए इसको मैं कोई मान्यता नहीं देता हूँ। मेरे हिसाब से राजस्थान में विकास का काम हुआ है और हमारी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने आम जनता तक पहुंचकर उनकी आम समस्या को सुलझाने का प्रयास किया है। भामाशाह के द्वारा उन्होंने लोगों को मुफ्त और निशुल्क चिकित्सा जो दी है, वो प्राइवेट अस्पताल में जो कभी गरीब आदमी नहीं घुसा होगा, फोर्टीज, अपोलो और बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज करा कर आए हैं, और जल स्वावलंबन के द्वारा उन्होंने राजस्थान को जल से प्रचुर मात्रा में, जल से सतही जल भी हमारा अच्छा हो सके ये प्रयास किया है। अभूतपूर्व प्रयोग राजस्थान में हुए हैं। राजस्थान में पेयजल की, सिंचाई के जल की बहुत बड़ी रूप से काम हुए हैं, तो निश्चित रूप से किसानों के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम हुए हैं। उनका 50,000 रुपये तक का ऋण पहली बार इतिहास में माफ़ किया गया है। उनके ऊपर आई आपदाओं समस्याओं को लेकर करोड़ों रुपए के बजट से उनकी मदद की गई है, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि राजस्थान की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसकी कोई असंतुष्टता है। पूरी तरीके से संतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी 100% राजस्थान में पुनः सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने अचानक से दक्षिण में एक नया प्रत्याशी इंट्रोड्यूस किया, आप परंपरागत रहे हैं दक्षिण के, उपचुनावों में जीते हैं, तो आपको इसका कितना ही हद तक फायदा मिला? निश्चित रूप से कोटा शहरवासियों के लिए काम कराया है
और सभी समाजों को लेकर साथ चला हूँ। हर व्यक्ति के लिए सदैव उपलब्ध रहा हूँ, उनका सम्मान किया है। वो कभी भी मेरे दर पे अगर मेरे को 12 बजे भी आकर उठाया है तो मैं उनके लिए उपलब्धता रखते हुए सदैव उनके साथ खड़ा होकर उनकी समस्या का निराकरण का प्रयास किया है। मेरे पास जो भी कोई आया है मैंने पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास किया है। निश्चित रूप से जनता ये सारी चीज़ देखती है, जनता एक आंकलन के द्वारा, बहुत समझदार लोग हैं और उस आंकलन के द्वारा अपना वोट का प्रयोग करती है। हमारे कोटा क्षेत्र के सभी लोग बहुत समझदार और कोटा दक्षिण विधानसभा के सभी लोग बहुत जागरूक हैं। वो अपने मत को अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार से खराब नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ। हाड़ौती में कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? हाड़ौती में लगभग 17 में से 14-15 सीटें आ जानी चाहिए। 14-15 सीटें। 5 साल वाला फैक्टर प्रभावी है क्या इस चुनाव में, जो 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं राजस्थान में, कि 5 साल में कांग्रेस फिर बीजेपी, ये वाला फैक्टर? मुझे लगता नहीं इस बार ये फैक्टर प्रभावी होगा। हालांकि राजस्थान में ये होता है, आपका कहना सही है कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लेकिन इस बार ऐसा लगता तो नहीं है कि राजस्थान की जनता या हाड़ौती की जनता इस प्रकार का कोई प्रयोग करेगी, क्योंकि अभूतपूर्व काम हमारे हाड़ौती के क्षेत्र में हुए हैं, राजस्थान में हुए। ये हैं बीजेपी के प्रत्याशी संदीप शर्मा, जिनका कहना है कि अगर ये जीतते हैं तो जो भी काम दक्षिण में चुनावों से पहले यानी कि आचार संहिता लगने से पहले रोक दिए गए थे वो तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू करवाए जाएंगे। जनता की जो कई सारी समस्याएं हैं, जैसे दादावाड़ी वाला फ्लाईओवर न बनना, उसको तरीके से शुरू करवाया जाएगा। शहर का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा, जो 10 चौराहों का इन्होंने जिक्र किया उनमें तरीके से काम किया जाएगा। सुपर स्पेशलिटी की सुविधा को और भी बेहतर किया जाएगा। जनता का आभार व्यक्त करते हुए संदीप शर्मा का कहना है कि जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को चुना है। धन्यवाद।